लास्ट क्लास हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ किया था, ठीक। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में दो कंडीशंस और हैं बस हमारे पास, पहले वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने फिर फर्दर आगे दूसरे प्रोसेस तरफ जाएंगे, एनर्जी की तरफ, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। पहला मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग सोलेनोइड, देखिए हम लोग सिंपलेस्ट केस देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हम लोग को नहीं देखना है। तो हमारे पास एक सोलेनाइड है जो कैसा है, लॉन्ग है, करंट कैरी कर रहा है आई, ठीक। इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, तो इस पॉइंट पे निकालेंगे, पॉइंट पी है यहाँ पे सेंटर में बीच में, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगेन हम एक क्लोज लूप अज्यूम कर रहे हैं, ए बी सी। अच्छा, सोलेनाइड का भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परमानेंट मैग्नेट जैसा ही होता है, जैसे अगर ये परमानेंट मैग्नेट है आपके पास, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का अट्रैक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक, और सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर वापस अंदर पास करती, ठीक। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है कॉइल में भी, एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर से फ्लो करेगी साउथ की तरफ, ठीक। फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल कितना होता है, I enclosed करंट, इक्वेशन नंबर वन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसा है, ये लॉन्ग सोलेनोइड है, छोटा मोटा नहीं है, लॉन्ग मतलब लगभग आप इनफाइनाइट मान सकते हैं उसको, मतलब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप उसको लॉन्ग मान सकते हैं, ठीक। एनक्लोज्ड करंट निकालने के लिए हमको कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा, ऑल्सो एज्यूम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
इज इक्वल टू एन करंट कैरीड इज इक्वल टू एल लिख सकते हैं करंट कैरीड एल कैसे सर सॉरी वो डीएल पे होगा करंट कैरीड आई लेंथ एल लेना है इसके जो आपने लूप लिया है ना वो स्क्वायर लूप है इसका साइड एल है एल 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 नंबर ऑफ ट्रांस पर यूनिट लेंथ कितना है एन तो इतने लेंथ में से कितना करंट पास होगा जो आपका लूप है उससे कितना करंट पास होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है एन नंबर ऑफ टर्न्स फॉर एल लेंथ कितना होगा एन इंटू एल ठीक कितने टर्न्स हुए एन इंटू एल लेंथ करंट कितना है एक टर्न में आई तो इनक्लोज्ड करंट आप लिख सकते हैं From equation one, integration S dot dl is equal to n into l into I. Also, हमने assume किया था कि ये long solenoid है अगर long solenoid है तो A और B point बहुत दूर नहीं है उसके comparison में ये length बहुत ज्यादा है तो जितना यहाँ पे magnetic field होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा फॉर लॉन्ग सोलेनोइड ए से लेके बी तक क्योंकि वो बीच में है एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट मानी जा सकती है अगर एच कॉन्स्टेंट हुआ देन अगर एच कॉन्स्टेंट हो गया देन एच को आप बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू एन एल आई एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएल विल बी एल एन एल आई आई से आई कैन देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द सेंटर ऑफ सोलेनोइड इज एन आई वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एच की यूनिट एम्पियर टर्न्स पर मीटर ऑल्सो B की वैल्यू क्या होगी म्यू जीरो एन आई अगर आप कोर्स वहां पर मतलब लगाते हैं तो वो म्यू एन आई होगा कोई दिक्कत यहां तक सर ये जो एल एल सर क्यों कैंसिल हो रहा है एक एल तो सर पूरा सोलेनोइड का लेंथ है और एक पूरा सोलेनोइड का लेंथ नहीं है पूरा सोलेनोइड का लेंथ एल नहीं है एल जो केवल लूप का लेंथ है एल तो मैं डायग्राम में दिखाया क्लियर है यस और नो जी सर क्लियर है ओके क्यों आगे चलते हैं फिर हम लोग निकालते हैं ये जो सेंटर पे था दिस इज
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनोइड. B is equal to M and I divided by L. हाँ ठीक है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आप जो डिफाइन करेंगे N, वो टोटल टर्न्स होंगे. Now, next. मैग्नेटिक फील्ड एट कॉर्नर्स ऑफ सोलेनोइड. कॉर्नर पे कितना मिलता है? अगेन सेम वही, क्या देखिए आपको ये याद ही करना पड़ेगा, केसेस हैं ये. इसका पूरा डेरिवेशन इंटीग्रेट करके हम लोग नहीं करने वाले, आता भी नहीं है, कभी किसी एग्जाम में नहीं आया. करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है एन. वापस पूरा स्टेटमेंट में नहीं, अभी हम लोग सेंटर पे नहीं कॉर्नर पे निकाल रहे. ठीक, तो अभी इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा कि इधर की तरह आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है इनफाइनाइट, इधर कोई टर्न्स नहीं है. ठीक, पॉइंट पी यहाँ पे है. बाय सिमेट्री वी कैन सी दैट करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्रेजेंट ऑन ओनली वन साइड ऑफ पॉइंट. देखो एक तरफ है एक तरफ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा. नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी अज्यूम टू बी हाफ. बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई बाई टू. तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है या यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, और कॉर्नर पे जाके मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है. इट इज फॉर सोलेनोइड. दूसरा केस है हमारे पास, ये सिंपल केसेस हैं. टोरॉइड, थोड़ा आगे कीजिए ना, पीछे की दिन से. ठीक है, नोट करके बताइए ना. सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना हाफ कॉलम. किसको? किसको सर? ये ना कॉलम सेकंड वाला. जी सर. देखिए ये सिमेट्री को मान करके एनालाइज किया गया है बस, एक्चुअल प्रूफ में नहीं जा रहे हम लोग. जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस वाले क्वेश्चन में, ठीक, तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे किसी पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट था आपका P, ठीक, इस पॉइंट P के इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स, इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स, कितने? तो लॉन्ग सोलेनोइड है, इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स लगभग इनफिनिट, इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स लगभग इनफिनिट.
दोनों सिमेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पे। जब आप कॉर्नर पे जाते हैं तो केवल एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स है इनफाइनाइट, दूसरी तरफ नहीं है। तो बायसिमेट्री ऑफ एनालिसिस हमने कंक्लूड किया है मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हाफ हो जाती है। क्लियर? ओके सर। ओके, व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड इज ऑल्सो नोन एज एंडलेस सोलेनोइड। एंडलेस होने का मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम। एक्चुअल में क्या है, कॉयल को आप गोल घुमा दीजिए वो टोरॉइड हो जाता है, उसको अलग अलग नाम से हम लोग बुलाने लगते हैं। ठीक, ये क्या है कोर, कोर के ऊपर हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंस्टॉल कर दी। आई आई ठीक, तब इसको तो राइट कैसे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉइल का दोनों का सेम, देख सकते हैं आप लोग। अगेन हम लोग एजम्पशन वही करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन, करंट आई, अब ये अगर आप टोराइड को देखें तो इसका ओरिएंटेशन कैसा है, ये सर्कुलर है। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये सब पहले भी देखा होगा, अगर कोर हमारा स्क्वायर होता तो ये टोराइड है, नहीं है सर, है किसी भी कॉइल को अगर आप गोल घुमा देते हैं स्क्वायर पॉइंट और एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम कर देते हैं तो वो टोराइड होता है, चाहे वो पाथ फिर आप सर्कल बना हो या स्क्वायर बना हो, टोराइड ये भी है। बट इसका एनालिसिस मुश्किल होगा, तो जानबूझ के हमने सिंपल केस लिया है, इसको सर्किल माना है। अब इस टोराइड में एक पॉइंट पी है, वो कहीं भी हो सकता है, सारे पॉइंट एक जैसे हैं, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगेन वी नो दैट फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ H dot dl is equal to I enclosed. अब वो closed loop क्या लिया, P से पास होता हुआ ये circle, देख सकते हैं जो dl है आपका। अच्छा इस टोराइड का रेडियस R मान लेते हैं, हालांकि वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, रेडियस आर है। क्लियर? तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डेल इज आई इनक्लोज। अब सारे के सारे पॉइंट्स क्योंकि सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे हैं, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा वही इतना वहीं, जितना यहां पे होगा वही यहां पे होगा, वही यहां पे होगा। सिंस ऑल पॉइंट्स आर सिमेट्रिकल तो सारे पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड सेम, अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम तो एच को बाहर कर सकते हैं आप, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, एनक्लोज करंट कितना होगा, आई टोटल करंट पर यूनिट लेंथ कितना कनेक्ट, एन इंटू टू पाई आर, लिख सकते हैं
यस सर। इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, ये भी 2 पाई आर क्लोज लूप के लिए। कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला आता है एन आई एंड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। अगेन अगर कोर है तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा म्यू, ठीक। और डिफरेंस क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टोराइड, जबकि सोलेनाइड में चेंज हो जाता है कॉर्नर पे अलग सेंटर पे अलग। सर जी, तो मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे अगर ये होगा, मतलब अलग अलग होगा, तो निकाल सकेगा क्या ना इसका भी? निकाल सकेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, सिस्टम को कॉम्प्लिकेशन करने कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अब मैं बना दूं कि मेरे पास एक कोर है इसपे नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से हैं, 5 टर्न यहाँ पे, 10 यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। उसके लिए तो उसको ये करना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शन का फिर निकाल के करना पड़ेगा। हाँ, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अभी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का मतलब कंडीशन नहीं है यहाँ पे हम लोग को, नहीं हम अंडरस्टैंडिंग टोरॉइड का बारे में बात कर रहा था। मतलब अगर टोरॉइड, मतलब टोरॉइड शेप जो है टोरॉइड का जैसा है, लेकिन मतलब एक एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा पॉइंट से एंड हो रहा है, ऐसा होने से मतलब अगर टोरॉइड ऐसा है, आप स्टार्ट हमने किया है यहाँ से और एंड यहाँ पे कर दिया। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये सोलेनाइड है, फिर टोरॉइड नहीं। ओ अच्छा अच्छा टोरॉइड तब तक नहीं होगा जब तक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं हो जाते बाय डेफिनेशन। अच्छा ठीक है, क्लियर। आगे चले। जी सर, तो क्वेश्चन आता है सीधे सीधे फॉर्मूले पे आता है, जैसे क्वेश्चन इसमें है भी है। लॉन्ग सोलेनोइड हैज 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, what will be its magnetic field if it carry 5 ampere of current? Five ampere current carry करने पे कितना magnetic field मिलेगा उसको? अब इसको समझना है, लॉन्ग सोलेनोइड है, मैग्नेटिक फील्ड आप दो जगह निकाल सकते हैं, सेंटर पे या कॉर्नर पे। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आप एच भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे आप? जल्दी से आंसर बताइए इसका। 1 आएगा सर इसका, तो 1 आएगा जी।
सो 12 मिली मिली वीवर हो गया मिली वीवर ठीक इट इज म्यू जीरो एन आई व्हाट इज म्यू जीरो 4 pi into 10 to the power minus 7 जी सर व्हाट इज एन 20 20 पर सेंटीमीटर है आपने म्यू जीरो की वैल्यू एसआई यूनिट में पुट की है मीटर में कन्वर्ट नहीं किया मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉरी सेंटीमीटर होगा देखा नहीं 10 टू द पावर माइनस 2 3 सॉरी 10 टू द पावर 2 एक सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है तो एक मीटर में ज्यादा होगा ना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करंट कितना है 5 अब इसकी वैल्यू निकालनी है जल्दी इसको बताइए क्या है सर वही 1.2 माइक्रो वेबर में है माइक्रो कहां से जा रहा है ये 10 टू द पावर 3 हो गया ये आएगा 4 पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 मिली वेबर में आएगा ना 4 पाई की वैल्यू बताइए 3.14 इनटू 4 इस 12 पॉइंट समथिंग 12.5 मिली वेबर इस आ रहा 12.5 सर नहीं सर 1.2 ही है 1.2 मिली वेबर ही सर 1.2 मिली वेबर 4 पाई की वैल्यू बताइए 12.56 है क्या मेरा तो 12.56 ही आ रही मेरा भी 3.14 पुट करेंगे 12.56 आएगा इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 इट इज 1.256 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 1.256 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1.256 टेस्ला मिली टेस्ला आप यूनिट वेबर बोल रहे थे ना वेबर फ्लक्स का यूनिट होता है अच्छा सर ये सब्जेक्टिव निकालना है ना मैग्नेटिक जो आप मैग्नेटिक फील्ड लेकर इंटेंसिटी को निकालना जरूरी नहीं है ना सर देखिए जब मेंशन नहीं होता है तो आप बी की वैल्यू बताते अच्छा ठीक है सर और इस पे भी नंबर कटता है आपका यूनिट इस पे यूनिट पे ध्यान दीजिएगा जल्दी जल्दी के क्लियर है सर ये नंबर ऑफ टर्न्स का कैसे लिया है एक बार बताइए नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है ना 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है हर एक सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है एसआई यूनिट में हमको मीटर लेना होगा तो एक सेंटीमीटर में 20 टर्न है एक मीटर में कितना होगा सर 100 टाइम्स होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
1.256 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर. चलते आगे. क्वेश्चन आपका हो गया आसान था. मैं बताने का मतलब ये था अगर मेंशन नहीं है तो आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. अगेन अगर मेंशन नहीं है तो बी की वैल्यू बताई जाती है. पर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया. डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जरूरी है लेकिन आपको करंट का डायरेक्शन नहीं मालूम है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे. आपको केवल मैग्नीट्यूड ही बताना. अगर करंट का डायरेक्शन दिया होगा तो तब आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना पड़ेगा. लास्ट क्लास का होमवर्क. लास्ट क्लास में होमवर्क था क्या? जी सर आपने दिया था एक. क्या था होमवर्क? वो जो ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं. बी सी डी ये होमवर्क आपका करना है क्या इसको? आसान तो था ये. ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू क्या वैल्यू बता रहे हैं आप इसका होमवर्क का? नहीं वो सर वो जो एन वो जो लिया था ना ये सेंटीमीटर वाला उसको पूछ रहे हो. वो टेन टू दी पावर माइनस टू नहीं होगा क्या बोल के? टेन टू दी पावर टू होगा ना. डिवाइड वो पार पार में टर्न्स पर. हाँ टर्न्स पर मीटर चाहिए होगा आपको. ये एक्सिस क्या है? एक्स वाई एक्सिस है ना? ना अरे हम आप देखिए ना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है सेंटीमीटर नीचे है. आप सेंटीमीटर को ये 20 जो है ना एक मिनट रुकिए. में एन का वैल्यू क्या है? 20 पर सेंटीमीटर या 20 यूनिट पर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर नीचे है 20 पर सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करिए 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. अब ऊपर जाएगा एन विल बी 20 इंटू 10 टू द पावर 2 पर मीटर. सर इसका बी का वैल्यू सर 12.56 into 10 to the power minus 3 होगा सर. माइनस 4 नहीं होगा सर क्योंकि 120 into 5 करें 100 होगा तो सर 10 to the power minus 3 हो. ओ ठीक है ठीक है ठीक है. हम 1000 ले लिया उसको. जी सर वही बोल रहा था. हम मैथमेटिक्स चलो मैं हम लोग कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते हैं ना. मैं भी कल से सोच रहा हूँ कैलकुलेटर लेके बैठ ऐसे चेक करने के लिए. -3 -3 12.56 मिली वेब पर मीटर स्क्वायर. देख अब होमवर्क को कर ले क्या. होमवर्क में भी क्या था? एक्स वाई प्लेन था ना शायद. एक्स वाई प्लेन करते हैं नहीं तो लास्ट क्लास में कर दीजिए सर इसको यहाँ पे. तो फिर पीडीएफ तो भेजना पड़ेगा मुझे. सर ये ट्राई किया था सर ये 8 पॉइंट में सर बी में इनफिनिट आ रहा है ऐसे हो गया. डी में सिर्फ वैल्यू मिल जा रहा है 5 पॉइंट समथिंग मिल जा रहा है. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा निकालना है बी और
बी और सॉरी सेंटर में बी और सी का मिड पॉइंट में निकलना है, मिड पॉइंट में से वैल्यू मिल रहा है इसका, बी सी में सेम आ जाए तो निकाल दी तो कैलकुलेट कर चुके थे ना हम लोग, डी तो कैलकुलेट किया था। नहीं फिर भी सर आपका क्वेश्चन तो अलग है ना, वो उसमें तो सेंटर नहीं है, ये अलग वाला है सर, वो अब जो उसमें सेंटर पे डी है ना सर, सेंटर में निकलना है तो सेंटर में तो सर इनफिनिट होगा वो रिस्पेक्ट टू, उसमें होना चाहिए दोनों पे मिलेगा। अभी रुक के देखते हैं, मैं डायग्राम एक्स वाई प्लेन है एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव जेड मिलेगा आपको ना सर, कैंसिल हो जाता है जी, कैंसिल हो जाता है, एक एक माइनस में आएगा तो प्लस में जाते हैं, एक मिनट देख चेक करते हैं इसको, तो आज वाले पेपर पे कर लेंगे। बैक क्वेश्चन का डेटा देखिएगा बस ना, वो गलत ना। क्वेश्चन है वी हैव एक्स एंड वाई प्लेन, लूप का लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर ना, वाई पे भी 10, एक्स पे भी 10, क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन देखिए सही है ना जी सर, सही है, क्लॉकवाइज ही है ना जी सर, सब क्लॉकवाइज है। दिस इज ओ ए बी सी एंड डी सर, डी सेंटर में बी इसमें, अच्छा डी सेंटर में है और सी यहाँ पे है, अभी करेक्ट है ना जी सर, अभी करेंगे ठीक। पहले किस पे निकालें, बी पे, बी पे हाँ, पहला केस है एट बी, किसके केस की वजह से होगा करंट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ये कंडक्टर और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये बी पॉइंट उनके एक्सिस पे है ठीक, ओ ए और ओ सी करेंगे, ओ ए और ओ सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बी पे ठीक। अब ओ ए की वजह से मैं निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई बाई आर, ओ ए से लेंथ कितना है 10 जी सर, 10 सेंटीमीटर है ना, अभी अभी आर लिख देते हैं, आर आर लेंथ का स्क्वायर है सपोज करिए सर, आर जीरो नहीं से इनफिनिट नहीं हो जाएगा क्या, बी का वैल्यू नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा आर जीरो में, सर विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ टू सर बहुत ज्यादा होगा, तो अनगिनत टाइप से हो जाएगा ना, थीटा जीरो ना सर, दो एंगल मिलता था ना आपको, थीटा वन से थीटा टू, ये एंगल कितना होता है टोटल 90 था, ये मिलेगा 45 तो साइन 45 प्लस साइन जीरो, एक तरफ साइन 45 है दूसरी तरफ जीरो है, दूसरे साइड में कोई एंगल नहीं, ये मिला ओ ए की वजह से, ओ सी से भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाइसिमेट्री यूज कर लीजिए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर, किसको प्लस और माइनस कहा आपने, समझ में मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ, प्लीज रिपीट करिए सर, एक तो सर वो मतलब लेन क्रॉस आर होने से, एक तो सर आर क्रॉस लेन हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में,
क्रॉस प्रोडक्ट हो कहा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है ही नहीं यहाँ पे कहीं। एल क्रॉस आर बोल रहे हैं आप? वही सर। डीएल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एल क्रॉस आर दूसरा वाला में, दूसरा वाला में ये है सेम डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर दोनों ऐड हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सेकेंड एट सी सेम यही मिलेगा। स्क्वायर के चार कॉर्नर, चारों कॉर्नर का सिमेट्री या पोजीशन एक जैसा होता है, जैसा बी पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वैसा ही सी पे मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी इक्वल टू जीरो बिकॉज थीटा एक्सिस पे था। आप प्लीज साइटोमा माइक ऑन करिए, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। सर वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी जो जीरो दिखा रहा था, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो दिखाया है? वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी लाइन ए बी एंड बी सी जीरो है क्योंकि थीटा का वैल्यू जीरो है इसलिए। एट बी ना, एट बी ड्यू टू लाइन ए बी एंड बी, हाँ ड्यू टू ए बी एंड बी सी जीरो, ये पॉइंट एनी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना जिस पे खुद करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा? एनक्लोज्ड करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, एम्पियर्स लॉ पे लगा लीजिए तो एनक्लोज्ड, वो कोई करंट एनक्लोज नहीं कर रहा है, पॉइंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता है। सर सर इसमें OA क्रॉस AB नहीं करना है ना? OA क्रॉस AB करेंगे डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट तब आएगा जब आप AO क्रॉस AB करेंगे। सर अगर सर OA क्रॉस AB नहीं है तो सर ये तो आउटवर्ड जाएगा फिर? नहीं नहीं इनवर्ड जाएगा। CO CO क्रॉस एक मिनट OA और AO अलग अलग चीजें हैं। आप OA क्रॉस AB करेंगे तो पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स OA, सर बाहर में की तरफ, हाँ बाहर में आएगा। आप AO क्रॉस AB करेंगे तब बाहर आएगा। सर फिर सर CO क्रॉस वो करने से तो फिर सर वो अंदर हो जा रहा है? फिर दोनों से तो अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो सर वो काइन का देख, मुझे बोर्ड पे जाना पड़ेगा लग रहा है। सर कौन क्लोगस एंटी क्लोगस नहीं हो? एक मिनट रुकिए मुझे बोर्ड पे जाने थी। देख पा रहे हैं आप बोर्ड को? जी सर। दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, ठीक, ये हमारा स्क्वायर ओ ए बी सी और यहाँ पे डी। अब ये पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, क्लियर है? करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, जो करंट का डायरेक्शन वही लेंथ का डायरेक्शन। आप ओ ए क्रॉस ए बी निकालना चाहते हैं, ओ ए क्रॉस ए बी निकालना है ना? जी सर, वो बाहर हो जाए।
तो पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स OA, आप यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, रोटेट टुवर्ड्स AB, मैट A इनवर्ड है। अच्छा सर, ऐसे करना है, इसमें तो अंदर में ही तो जाएगा, अंदर में ही जाएगा। नहीं सर, हम सोचा था कि उसको इससे उसमें करने में, नहीं तो फिर वो उल्टा हो जाएगा ना, आपने AO क्रॉस AB निकाला है। वही सर बोला है, वही क्रॉस AB। हाँ तो अलग अलग केस। इसी नहीं सर, कैंसिल हो जाते हैं ना। नहीं सर, तब कैंसिल होता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। जी सर, नहीं भी। हो गया, और कोई डाउट है किसी को? अच्छा, सी पे भी सेम आंसर आएगा? जी सर, सेम होगा, सी और बी में, डी में लगाएगा। सी और बी पे सेम होगा। फॉर सी आप मैट्रिक्स फिल निकालेंगे किसकी वजह से? ओ ए एंड ए बी। सर, इसमें आर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? टेन लूप का, स्क्वायर लूप का लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर था ना। हम सर कंडक्टर में जब पॉइंट कर रहे हैं तब आर का वैल्यू क्या हो जाए? सपोज हम बी में पॉइंट कर रहे हैं तो बी इटसेल्फ इज अ कंडक्टर ना सर? फिर हम जब पहले पॉइंट आउट किया था तो आर का वैल्यू, तो हम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर लिया था ना, तो इसलिए सर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है फ्रॉम OA लिया है ना, OA इज द कंडक्टर एंड बी इज द पॉइंट, उससे डिस्टेंस आर है। सिमिलरली OC is the conductor, B is the point, उससे भी distance R है, square loop है ना? Okay sir। दोनों को add करना था, हमने 2 से multiply कर। D पे it will be complicated। D का निकालना जरूरी है। BC की वजह से कोई magnetic field produce नहीं होगा, produce होगा OA से, AB से और OC से। AB और OC से सेम होगा, OA से अलग होगा। लेकिन आप यहां पे पॉइंट ड्रॉ करना, सेपरेशन इज R। ये एंगल बता सकता है कोई? थीटा की वैल्यू मिड पॉइंट ऑफ कंडक्टर से लेंथ नहीं लेते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम कंडक्टर लेते हो, चाहे जिस पॉइंट चाहे। सर वो एंगल 63.4। एंगल क्या? थीटा की वैल्यू बता सकता है कोई? सिक्सटी थ्री पॉइंट फोर थ्री फाइव शायद। 435, 10 inverse 2 है ना? हेलो जी सर, वो नीचे का एंगल निकलता है वो, उसका ऑपोजिट वाला, उसका 26.56 का आया था तो बचा उसका, तो मैं एक मिनट। मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं। हॉस्पिटल हो गया।
this is O. A, B, C, D. At D, magnetic field निकालना होगा आपको due to OA, due to AB and also due to OC. Due to BC से zero हो जाएगा. मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं ओ ए से, तो ए से हमने यहां पे लाइन प्रोजेक्ट किया, ओ से हमने लाइन प्रोजेक्ट किया, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए विल बी दिस, जो कितना है आर, जो कि वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. ये स्क्वायर लूप है, आर की वैल्यू 10 एंड दिस इज आर बाई 2 हो जाएगा. तो ये थीटा टेन थीटा इज आर अपॉन आर बाई टू, तो थीटा विल बी टेन इनवर्स टू. थीटा विल बी टेन इनवर्स टू का वैल्यू 78.69. कंफर्म करिए टेन इनवर्स. ठीक, तो सिमिलरली ये वाला थीटा भी कितना हो जाएगा, तो 10 + 2 = 63 दिखा रहे थे. 10 इनवर्स 2 कितना दिखा रहा है, 63 दिखा रहा है सर, 63.43 दिखा रहा है. हां सर 63.4, 78 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 63.43 डिग्री. तो दूसरा वाला थीटा भी उतना ही हो जाएगा, 63.43 डिग्री. तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट डी, तो फर्स्ट केस ड्यू टू ओ ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी यू जीरो अपॉन 4π आई अपॉन 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज 10 × 10⁻², साइन 63.43 प्लस 63.43. B1 मान लेते हैं, B2 that is due to AB, B2 will be equal to mu0 upon 4π. AB से निकाल रहे हैं ना, AB से shortest distance कितना हुआ, this R by 2. और AB से एंगल कितना हुआ, एक तरफ 90 एक तरफ 0. User upon 4π I upon 5 × 10⁻², sin 90 plus sin 0 also. B3 भी same, सिमेट्री से देख सकते हैं, B3 will be equal to mu0 upon 4π I upon 5 × 10⁻², -2. Sin 90 plus sin 0. टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी या एट डी, डी निकाल लेते हैं ना, बी विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, ऐड कर दीजिए उठा कर, दिस विल बी योर आंसर. थीटा का वैल्यू विद रिस्पेक्ट पॉइंट डी नहीं होना चाहिए,
y point A and O. एक मिनट पॉइंट विद रेस्पेक्ट पॉइंट डी ही होगा. थीटा की वैल्यू 0 to 90 हाँ विद रेस्पेक्ट पॉइंट डी होगा. थीटा ये लिया है आप इसको फाइव ले लीजिए तो साइन थीटा विल बी कॉस फाइव. आपको 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना आपको फाइव की वैल्यू ले लीजिए. तो इसको आप कॉस कर साइन फाइव कॉस थीटा होगा ना या फिर आप फाइव 90 में सब्ट्रैक्ट करके फाइव की वैल्यू निकालिए. साइन फाइव की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे टेन इनवर्स 1/2 कितना होता है तो बता सकता है. टेन इनवर्स 1/2 को बताए 25.26.5. हेलो 26.565 ऐसे में निकाल सकते. B2 और B3 सही है. स्टिल कोई डाउट है क्या? आगे चले. दिस वाज स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक कंडक्शन करंट से प्रोड्यूस होता है. अब उसके बाद हम लोग को रिलेशन की तरफ पढ़ना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे थे. मैग्नेटिक फील्ड डी ड्यू टू ए बी एंड ओ सी ये निकाला तो ड्यू टू ए बी है और B3 ड्यू टू ओ सी है. नेक्स्ट इज योर एक टॉपिक हमारे पास मिसिंग था अभी तक. Poisson's and Laplace equation. ठीक अच्छा हालांकि ये जो Poisson's और Laplace equation है इट इज फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए है, लेकिन इसका यूज आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में भी होता है. यूज करेंगे इसको हम लोग लाप्लास पोटेंशियल कुछ. ठीक. अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. Minus of del V is what? E. And this property was from potential gradient and from Gauss law. हमारे पास था क्या? Del dot D is equal to rho V. जहाँ पे रोवी क्या है, व्हाट इज रोवी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड डी इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ई. देख सकते हैं. और अगर आपके पास मतलब फ्री स्पेस नहीं है तो आप एप्सिलॉन ई लिखिए. Question number 1, 2, and 3. Take divergence of question number 1. Negative sign bahar. Divergence of, sorry, gradient of. डाइवर्जेंस ही होगा. पोटेंशियल का ग्रेडियंट किया गया. डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट डेल ऑफ डेल वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई. दिस divergence of gradient, किसी divergence का gradient, पहले divergence किया एक quantity का, फिर उसका gradient किया. Divergence of gradient is also known as Laplacian operator. हम लोग यूज करने वाले हैं अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में. एंड रिप्रेजेंटेड एज डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर से. देयरफॉर माइनस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डेल डॉट ई की जगह हम लिख सकते हैं डी अपॉन एप्सिलॉन. And epsilon constant is del dot D. Del dot D क्या होता है? What is del dot D? Rho V. Is minus rho v upon epsilon naught. Is known as Poisson's equation for electric potential.
in a medium. And also, if medium is free from charge, उसमें individual charge particles नहीं है, then del square V is equal to zero. And this is known as Laplace equation for electric potential. स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक में जो भी कंडीशंस थी वो ओवर हो गई हैं. अब हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पहले मीडियम देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. चलो कहाँ तक पहुंच गए हैं, एक सेकंड में सिलेबस देख रहा हूँ. Divergence of B, vector magnetic potential, divergence of B हो चुका है, Ampere's law हो चुका है, conductor under tension करना है, force on moving charge. काफी है इतना, तीन चार चार दिन में आपका खत्म करेंगे हम लोग. आज टुडे सैटरडे, कल क्लास करेंगे आप लोग संडे को. करा दीजिए सर. सर ऑफ करा दीजिए अभी, फिर उसके लिए भी पढ़ना होता है ना, लेक्चरर के लिए भी, फिर आप जो जितना पढ़ा है थोड़ा देखना भी पड़ता है. ठीक है, वैसे भी क्लासेस आपका तीन क्लास चल रहा है, उसके बाद टेस्ट सीरीज अलग चल रहा है. ये आज इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट आ जाएगा आपका. सर ये सर टेस्ट सीरीज सर कौन सा, उसमें सर आपका वो रिपोम्स एफ में क्या एप्लीकेशन में ही है बैच में सर, कौन सा रिपोम्स कौन सा एप्स में? एक ही एप्लीकेशन है रिपोम्स. आप अभी एप्लीकेशन से क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये सर पैटर्न कैसा होगा सर? एग्जाम्पल ये तो सर जूम में तो कुछ नहीं दिखा रहे. जूम में नहीं होता है ना, वो अलग पोर्टल है सर. एप्लीकेशन का तो उसमें सर ये आपका ये मैसेज तो सर मैं व्हाट्सएप में सेव किया ना ये सर, उसको व्हाट्सएप पे तो उसे मैं ये सर इंटर करता हूँ. व्हाट्सएप पे नहीं आएगा टेस्ट सीरीज आपका? नहीं नहीं सर, मैं व्हाट्सएप पे तो मैं सर एफ से कभी इंटरनेट मतलब उन्हें क्यों लॉगिन नहीं किया, यहाँ से व्हाट्सएप पर पहुंच जाता. आप अभी तक उससे ही कर रहे हैं? जी सर यही से कर रहे हैं, इसलिए इसमें सर कुछ भी तो नहीं देखा. हम लोग दो बार अपना पासवर्ड, जैसे मैं पासवर्ड अपने जूम का चेंज करूंगा आपका मीटिंग आईडी चेंज जाएगा, फिर आप उस मीटिंग आईडी से नहीं अटेंड कर पाएंगे. हम लोग अटेंड कई बार चेंज करने वाले थे, नहीं किया था, लेकिन करना तो पड़ता ही है. आप एप्लीकेशन से ही करिए, एप्स इंस्टॉल कर लीजिए, नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाता है साथ साथ में, टेस्ट आ गया ऐसे. सर जर सर ये सर पासपोर्ट तो सर नहीं मिला वो क्या नहीं मिला व्हाट्सएप पे सर? ये पासपोर्ट सेंड किया था बोला सर, हमको अभी तक नहीं मिला. आपने अभी कल कल मुझे मैसेज किया था क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ कब मैसेज किया था सर? वो सर मैसेज आ रहा है, जरा पासपोर्ट निकल के दे दीजिए वो लॉगिन का.